नमस्ते। मेरे नानी जो थी उनके भी बड़े ही अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभूतियों की कहानियां है थे सारे। तो उनकी अभी देहांत हो गई है, कई साल हो गए हैं। वो जब मुझे अपनी कहानियां बताते थे तो उन्होंने कहा था कि उनके जिंदगी में मैं किसी को वो कहानियां ना बताऊं। तो अब तक मैंने ज्यादा कभी कहा भी नहीं था। जब उनकी देहांत हो गई थी उसके बाद से ही मैं किसी किसी को कहा था। तो हमारा भक्त लोगों का भक्ति विश्वास और बढ़े इसीलिए ही ये कहानियां अभी पब्लिकली मैं शेयर कर रही हूँ। तो नानी का एक कहानी था कि एक बार वो दोपहर के समय थोड़ा सा लेटे हुए थे। लेटे थे तो उनके सपने में वो सपना देख रहे कि नारायण आए हैं सपने में। और नारायण आके कह रहे हैं, तू मुझे उठा पाएगा, मतलब जैसे कि मेरा भार तू उठा पाएगा करके जब कह रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा जैसे मूर्ति है नारायण का। और दादी सपने में उस मूर्ति को उठाने की कोशिश कर रहे, पर वो मूर्ति इतनी भारी थी कि वो उठा नहीं जा रहा था उनसे। तो नारायण कहते हैं फिर उनके सपने में कहते हैं कि ठीक है, मैं छोटा बन के तेरे पास आता हूँ, अब देख तू उठा पाएगा। फिर नानी देखती है कि उनके हाथ में छोटा सा पत्थर नारायण शिला है। तुरंत उनको उनका सपना टूट गया और वो मतलब आश्चर्यचकित होके वो जाग गए। जाग के उनको लगा कि कुछ तो हुआ होगा, तो वो दौड़ के उनके ऊपर के मंजिल में, तीसरे मंजिल में उनका मंदिर का कमरा था, तो वहां वो दौड़ के जाती है तो देखते हैं कि मंदिर में वहां पे ऐसे अलग से ऐसे काला पत्थर नारायण शिला वहां पे बैठा हुआ है। अगले दिन जब पुजारी जी आए, वो पुजारी जी को बुलाए उन्होंने, उनका जो पुजारी थे, कि पुजारी जी को पूछते, उन्होंने सारे लक्षण देख के वो कहते हैं कि हाँ ये नारायण शिला ही है, और अगर आपके पास आया है, वैसे तो कहते हैं कि नारायण शिला को महिलाएं नहीं पूजा करते, पर पुजारी जी कहते हैं कि नहीं, नारायण जी अगर स्वयं आपके पास आए हैं तो आपका ही पूजा का भार होगा और आपको ही ये करना पड़ेगा। तो तब से नानी वो नारायण शिला को पूजा करती रहती थी। इसलिए देवताओं अभी भी आते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं, हमारा भक्ति विश्वास उन पर बनी रहे। प्रेम से बोलो जय माता की।